If you're a health conscious foodie, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं because you have just unlocked that rockstar recipe जो आपकी weekend parties, kids parties, festive parties, सब party की जान बनेगा. It is made with superfood ingredients. It is high in protein, iron, calcium, micronutrients, healthy fats. This recipe is made in two parts. First part में आपको crackers की recipe मिलेगी और second part में आपको healthiest tips की recipe मिलेगी. So आपको और वेट नहीं कराते, लेट्स बिगिन विद द रेसिपी. और देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना इफ यू आर गोइंग टू रिक्रिएट इट. एंजॉय. तो चलिए बनाते हैं ये हेल्दी एंड टेस्टी क्रैकर्स. सबसे पहले हम बनाएंगे सीड्स क्रैकर्स. इसके लिए आपको 1/4 कप ऑफ चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स चाहिए. आप चारों को 1/4 कप लेके इनको आधे ग्लास पानी में सोक करके रख दीजिए अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के लिए. 20 मिनट्स में ये जेली जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे और तब आप इनमें सॉल्ट और ओरिगैनो को डालकर मिक्स कर दीजिए. ओरिगैनो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है. अब आप एक ओवन सेफ डिश लीजिए, उस पर बटर पेपर लगा लीजिए और इस स्प्रेड को उस पर स्प्रेड कर दीजिए. इवन थिकनेस में स्प्रेड करिएगा, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इवनली स्प्रेड. अब हम इसे बेक करेंगे 200 डिग्रीज के टेम्परेचर पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स. पहले हम इसे 30 मिनट्स के लिए बेक करेंगे. निकाल कर हम इसको ऐसे शेप दे देंगे, क्रैकर्स की शेप, और दोबारा से 20-30 मिनट्स बेक करेंगे. एंड इट्स रेडी. बहुत टेस्टी बनते हैं. नेक्स्ट अप इज रागी एंड बीटरूट क्रैकर्स. यहाँ पर आप एक आधा टुकड़ा बीटरूट यानी चुकंदर का लीजिए और उसे ग्रेट कर लीजिए. इसमें हम लगभग 1 कप रागी डालेंगे और थोड़ा सा नमक, सफ़ेद तिल, अजवाइन, थोड़ा सा तेल लगभग आधी चम्मच. और अब हम इसे गूंद लेंगे. आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी यूज़ कर लीजिए, पर थोड़ा टाइट आटा गूंदिएगा. और अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे. मीनवाइल हम थर्ड क्रैकर की तैयारी करते हैं. 1 कप रोल्ड ओट्स लीजिए, उसको ग्राइंड करके उसका आटा बना लीजिए. 1 कप लगभग स्पिनच, और उसको भी हम ग्राइंड करेंगे. हाँ, इसमें हमें नमक और जीरा डालना है, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इस क्रैकर में. और स्पिनच प्यूरी और ओट्स फ्लोर को कंबाइन करके इसका भी एक डो रेडी कर लेंगे. हल्का सा ऑयल यूज़ किया यहाँ भी, लगभग आधी चम्मच, और इसे भी 10-15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे. अब हमारा डो रेडी हो गया बीटरूट वाला, तो अब हम इसके क्रैकर्स बनाना शुरू करते हैं. आप 2 बटर पेपर की शीट्स के बीच में एक पेड़ा लेकर उसको आप रोल करिए. जितना आप फ्लैट कर सकें उसको उतना फ्लैट कर लीजिए. ये दोनों पेपर यूज़ करने से ये फटेगा नहीं. और अब आप इसे अपनी मनपसंद शेप्स में कट कर लीजिए. यहाँ पर हम स्पिनच वाले डो को भी रेडी कर रहे हैं. ये भी इजीली फ्लैट हो जाएगा, रोल हो जाएगा, और इसको आप अपनी जो भी शेप में देना चाहते हैं आप इसको शेप दे सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू कुक इट. आप कास्ट आयरन पैन को या जो भी तवा आप यूज़ करना चाहते हैं उसको हल्का सा ग्रीस करिए. उस पे सारे क्रैकर्स को रख लीजिए और हम इसको स्लो कुकिंग मेथड से कुक करेंगे, जिससे ये क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से पूरी तरह पके होंगे. आप मीडियम से स्लो फ्लेम पर अपना तवा रखिए और इसको धीरे धीरे कुक करिए. ये 15 से 20 मिनट आराम से लेंगे. आप इसको आराम से हल्का हल्का ग्रीस करके कुक करिए. आप सुन सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं ये. आपको ऑयल ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बस स्लो कुकिंग मेथड से आप इसको धीरे धीरे कुक करिए, पलट पलट के. जब ज़रूरत लगे तभी हल्की सी ऑयल की ब्रशिंग करिए. और लीजिए, आपके 3 टाइप के क्रैकर्स रेडी हैं. अब आप इंजॉय करो इन क्रैकर्स को. अरे, डिप्स की रेसिपी तो आपको मिली नहीं अभी, उसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा. आइए पार्ट 2 देखिए और ये हेल्दी क्रैकर्स के साथ हेल्दी डिप्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए और अपनी फैमिली के साथ वीकेंड फेस्टिविटीज़ कभी भी इंजॉय करिए.